इस वक्त जो है खतरा काफी बढ़ चुका है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि खतरा बढ़ चुका है और ये कभी भी कोई भी हादसा कर सकते हैं। और ये और एक चीज है, क्योंकि मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अंदर उनके घर वाले वहां खड़े रह के बोल रहे कि रफीक कामदार और अहमद नेता ये दोनों टारगेट के ऊपर है, इनको किसी भी हालत में इनको गिराना है। आखिर क्यों मिल रही है बदमाशों के द्वारा पत्रकारों और समाज सेवक को जान से मारने की धमकी? मैं फरदीन शेख, आप देख रहे हैं MM टाइम न्यूज। आखिर क्यों मिल रही है समाज सेवक और पत्रकारों को जान से मारने की धमकी? HR के संपादक रफीक कामदार और समाज सेवक अहमद नेता को दी गई जान से मारने की धमकी। इसी मुद्दे को लेकर जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद साजिद, आप देख रहे हैं MM टाइम न्यूज़। हम यहाँ पर अहमद नेताजी के पास मौजूद है, जो हाल ही में दो दिन पहले जो इनको मारने की धमकी दी गई थी उस पर आज अहमद नेताजी के घर पे मौजूद है। उनको से पूछना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है और ये बदरा नाम का जो व्यक्ति है उन्होंने आपको क्यों धमकी दी और आपसे जान से मारने की धमकी और एक पत्रकार को भी साथ में धमकी दी, उसी पे आज हम अहमद भाई से भी बात करेंगे। अहमद भाई, ये जो आपको खुलेआम सड़क पर खड़े होकर धमकी दी गई ऐसे बताया जा रहा है और आपने उस पर एक NCP दाखिल की है पुलिस मुंब्रा पुलिस स्टेशन पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे और ये आपका क्या विवाद है उनके साथ? असल में रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने के अंदर जो है हमारे वहाँ दूध बट रहा था, तो दूध बांटने के टाइम पे जो इनके जो बदरा नामी जो व्यक्ति जो अभी पकड़ा गया है, इसका भांजा ये स्कूटर लेके जो है ये औरतों के अंदर ये गाड़ी लेके घुस गया और उसी हिसाब से जो है उसका विरोध करे हमारे बच्चे लोगों ने, विरोध के चक्कर के विरोध में जो है उसने जो है गाली गलौज करने लगा और आंख के ऊपर आए, और ये आंख पे आया तो आया, इनके पूरे परिवार आए आंख के ऊपर, तो ये उसी की जो है जो गुस्सा इन लोगों को है और उसी वजह से ये जो धमकी दे रहे जान से मारने की, तो हमने मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अंदर उनके खिलाफ कंप्लेन लिखा है, तो वो NC के तौर पे जो है वो हमको लिख के दिए। जैसा कि इसमें एक पत्रकार का भी नाम आ रहा है, रफीक कामदार को भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, किस बारे में झगड़ा पत्रकारों के साथ और एक समाज सेवक के साथ ये ऐसे गुंडे लोग कर रहे हैं? असल में साजिद भाई, उन लोगों रफीक भाई ने जो है इनके खिलाफ न्यूज़ चलाई, असल में इनके खिलाफ नहीं चलाई, ये जो हकीकत है वही उन्होंने चलाए, बाकी अब ऐसा है कि उनको ये चीज़ नहीं जमी और वो हिसाब से जो है गुस्सा भड़का उनका और उन्होंने जो है वो जान से मारने की उनको धमकी दी है। वो तो पुलिस स्टेशन में भी धमकी दे रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है, जो पुलिस ने जो 7 बजे 7:15 बजे उनको लेके आई थी मोहल्ले में और उसी टाइम ही माहौल जो है बिगड़ गया अमृत नगर का। और ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है पूरा सोशल मीडिया पर, जो खुलेआम सड़क पर खड़े होकर आप लोगों को गाली दिया जा रहा है और आपको मारने की खुलेआम धमकी दी जा रही है, तो इस पर आपने मुंब्रा पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट अर्जी दाखिल की है, तो पुलिस ने उस पर क्या एक्शन अभी तक लिया है? पुलिस का एक्शन तो अल्लाह रहम करे, वो जब लेने का रहेगा लेंगी, बाकी इस वक्त जो है खतरा बढ़ गया है, वो मेरा मसला हो या मेरे परिवार का मसला हो या रफीक भाई का मसला हो और ऐसे भी सभी पत्रकारों का जो है जो पत्रकारों ने इनके खिलाफ न्यूज़ चलाई है उनको सबको जान का खतरा है और वो कभी भी कोई भी तरीके से, क्योंकि इनके पास में जो है औरतें का ये इस्तेमाल करेंगे, ये बच्चों का इस्तेमाल करेंगे और तो बहुत सी तरीके ये इस्तेमाल करेंगे कि भाई कपड़ा फाड़े और हमारे आंख के ऊपर आए, हमारा ये करे हमारा वो करे, इस तरीके का ये जो अभी मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अंदर ये इन लोग रचेंगे ये सब चीज़ें। इसमें आप पे भी कई आरोप लग रहे हैं कि आप अपनी एक कुछ पर्सनल दुश्मनी उनसे निकाल रहे हैं, ऐसा सुनने में आया था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये आपकी पर्सनल दुश्मनी थी या आप एक दूध को लेकर एक मसला हो गया था उस एरिया? नहीं नहीं, देखो मेरा मसला खाली वहीं तक था, उसका जो भांजा है नोमान फिरोज बमई, मेरा मसला वहीं तक था, वहाँ मेरा मसला हो गया ख़त्म। अब रहा म्यूनसिपाल्टी के ऊपर, इन लोगों ने ढावा बोले, उनको धक्कम धुक्की मारा मारी करे, उनका मोबाइल छीने, समझे, वो उनका म्यूनसिपाल्टी का मसला है, वो मेरा उससे कोई मसला नहीं है। अगर आप पे कभी जानलेवा हमला होता है तो मुंब्रा पुलिस ने अब तक कुछ एक्शन नहीं लिया, तो आप आगे इसके आगे क्या करना चाहेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे?
नहीं, मैं तो कल भी जो है मैंने कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट किया, आपके ज़रिए, आपके जो पत्रकार थे उनके ज़रिए मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया, डीसीपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया, एसीपी साहब से भी किया, और मुमरा पुलिस स्टेशन से भी करूँगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो इसमें जो है मुमरा पुलिस ही जवाबदार रहेंगी। तो जैसा कि आपने सुना अहमद नेता जी को, इन्होंने बताया कि इनकी जान को, उनके परिवार वालों को काफ़ी खतरा है, अगर इनको कुछ होता है तो मुमरा पुलिस स्टेशन, इन पर पूरी जिम्मेदारी मुमरा पुलिस स्टेशन की है। तो और ऐसे पत्रकारों को भी धमकी दी जा रही है, तो हम हमारे चैनल के माध्यम से एक बार पुलिस प्रशासन को रिक्वेस्ट करेंगे कि, तो मैं सैयद साजिद आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहे MM टाइम न्यूज़, हम है आपके साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.